पानीपत में शांति नगर निवासी जसवंत सिंह यूपीएससी के सफल अभ्यर्थी में नंबर हासिल कर लिया है। जसवंत की मेंस एग्जाम में 115 रैंक आई है। हालांकि पिछली बार ही जसवंत हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर एचसीएस अधिकारी बने हैं। वे फिलहाल गुरुग्राम में ट्रेनिंग पर हैं। वे मूल रूप से जिले के सिंह गाँव के रहने वाले हैं। पिता सुरजीत मलिक राजकीय सीसी स्कूल सिठाना में हिंदी के प्रवक्ता हैं, जबकि माँ कृष्णा देवी गृहिणी है। जसवंत का लक्ष्य हमेशा से ही आईएएस बनना रहा है। उन्हें इस परीक्षा के परिणाम का हमेशा इंतजार था। पिता सुरजीत मलिक ने बताया कि और बेटी नीरज ने फिजिक्स में एमएससी की थी। वह शादीशुदा है। तीसरा बेटा जसवंत शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहा है। उन्होंने बेटे को बड़ा अधिकारी बनाने की सोच के साथ बसंत कुंज दिल्ली स्थित डीपीएस स्कूल में पढ़ाया। उन्होंने 12वीं में 96% अंक प्राप्त किया। दिल्ली स्थित किरोड़ी मल कॉलेज से बीएससी मैथ ऑनर्स से स्नातक की डिग्री की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैदराबाद से मास्टर की डिग्री की। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 2 साल नौकरी की। उन्होंने उसे घर से इतनी दूर नौकरी करने के बजाय यूपीएससी की तैयारी करने की सलाह दी। फिर उन्होंने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। वह यूपीएससी और एचसीएस की प्री परीक्षा कई बार पास कर चुके हैं। जसवंत मलिक ने बताया कि वह इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। नाम रोशन कर रहे हैं जसवंत मलिक। फिर जो है 115वां रैंक उन्होंने यूपीएससी में हासिल किया, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं। हमारा जो सीना है गर्व से चौड़ा कर दिया। और बच्चा 4 साल से जो है ना लगातार मेहनत कर रहा था, और 4 साल में अपना मानसिक स्तर को बनाए कर रखना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बार बार निराशा हाथ लगती है तो बच्चे कंसिस्टेंटली काम कर नहीं पाते। तो अपना हेल्थ वाइज और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ वाइज अपने को बरकरार रख के और वो चौथे चांस में जो है ना पहले एचसीएस में और अब आईएएस में जो कामयाब हुए हैं, हमें उसकी उपलब्धि पर बहुत गर्व है। और हमारे जो सभी रिश्तेदार मित्र प्यारे उनके संदेश आ रहे हैं, और आप जैसे जो अखबारों के लोग हैं, मीडिया के लोग, उनके माध्यम से आ रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा। हम बहुत खुश हैं। परिवार और जसवंत के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से स्टडी रही, परिवार का कैसा सहयोग रहा? देखो, मेधावी तो था ये जसवंत शुरू से ही, और उसकी कापियाँ भी बिल्कुल अलग, और जो है उसने 10वीं 12वीं और बीएससी तक भी मैथ्स में तो कोई मार्क्स कभी कटने ही नहीं दिया, और प्लस टू में भी 6 सब्जेक्ट उन्होंने लिए हुए थे, 5 की बजाय 6 मैथ भी ले रखा था उसने। 96% उस टाइम उसके मार्क्स आए थे। 4 सब्जेक्ट में 100 में से 100 थे उसके, और उसको पढ़ने का भी बड़ा शौक है। नए बच्चों को जैसे हम मानना भाई ये उर्दू की ये जो शायरी है हिंदी में ट्रांसलेटेड इंग्लिश में बहुत पढ़ता है, 1-2 किताब तो हर बार ले आता है। ये हो नहीं सकता कि उसके पास जो है ना रेदर देन हिज सिलेबस वो भाई पंजाब का कोई पोइट है अवतार सिंह संधू पास है वो उसकी ले रहा है, तो किसी उर्दू वाले की किसी फ्रेंच वाले की पढ़ता बहुत है। और सारी चीज़ों का जो है संगीत का भी खेल का भी बहुत अच्छा खिलाड़ी, बास्केटबॉल का जसवंत खुद अपने आप में, क्रिकेट का अभी भी वो 3-4 दिन रहा तो स्टेडियम में रेगुलर जाता था, वो समय निकालता है। ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा है। मैं मतलब जब भी उसके थ्रू आउट इंडिया उसके दोस्त हैं, क्या आसाम, क्या बंगाल, झारखंड, केरल, पूरे कंट्री के, और वो बायस्ड नहीं बिल्कुल भी, को कास्ट कलर क्रीड किसी की भी, मतलब उसका ये सौभाग्य भी रहा। गांव के स्कूल में तो कभी वो पढ़ा नहीं, वो तो यहाँ डॉक्टर एम के एम पढ़ा 10वीं तक, उसके बाद डीपीएस वसंत कुंज वो भी बहुत बेहतरीन स्कूल है, तो फिर उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज, और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एज अ सोशल साइंसेज वो टिस हैदराबाद, बेहतरीन उसको संस्थान मिले, बेहतरीन उसको टीचर मिले, और बहुत अच्छा उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रयास किया और वो कामयाब हुआ। हमें बहुत गर्व है उसकी, और हम तो यही उम्मीद करें कि वो एक बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी साबित हो। माँ बाप की गाइडेंस का बड़ा अहम रोल होता है इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के लिए। कुछ माँ बाप को ज़्यादा पता नहीं होता कि बेटा क्या करे, क्या करना चाहिए, तो उसमें आप तो एक अध्यापक हैं, किस तरह से आपका सहयोग रहा जसवंत? हमने मोरली उसको बूस्ट करके रखा, भाई जो है ना आर हमारी सफलता तेरी, आपने बिल्कुल वो नहीं होना है। तो मेरी जब उससे बात हुई, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली
जैसे अब प्रशासनिक सहायक है, मुख्यमंत्री प्रशासनिक सहायक बोलते हैं नहीं, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में लगाया था, तो उसमें ये प्रशासनिक सहायक थे और कैबिनेट में थे ये। तो उसने बताया बोला पिताजी ये जो IAS का भवन था ना, ये जो लास्ट शो होता ना सिनेमा का, वो होता है आदमी ने गाँव में जाना है 40 किलोमीटर दूर और शो छूटेगा 8 बजे और उसके बाद बस नहीं कोई भी होगी गाँव में जाने के लिए, ये ज़िंदगी 5-6 साल तक जुआ है, कुछ हाथ नहीं आता फिर बाद में, हम किसी के काबिल नहीं रहते, तो मैं कम से कम ऐसा तो मैं कुछ करके तो खा लूँगा, तो इसलिए मैं अपना जो है मास्टर्स भी करूँगा और कहीं प्रोफेसर तो बन जाऊँगा किसी यूनिवर्सिटी में, और मास्टर्स भी बनूँगा और उसके बाद इंटर्नशिप भी करी 2 साल की पूरी, जो उन्होंने वहाँ जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करा, बहुत बेहतरीन तरीके से किया। खुशी हो रही है, बहुत बहुत खुशी हो रही है जी, आप सभी को भी बधाई है जी, हमारे बेटे ने हमारे माँ बाप का नाम रोशन किया है, ऐसा ऐसा बच्चा सबको कामयाब बने और जी इतनी खुशी हो रही है मैं जाहिर नहीं। उन्होंने घी बहुत खिलाया हर बार की। नहीं अंकल जी कह रहे हैं कि उनको तंग तो कभी नहीं करते थे ना, तंग नहीं करते, माता को तंग करते थे कि नहीं? नहीं माता को भी कभी तंग करे, उसने अपने आप ले लेता था, कभी ये नहीं कहा मेरे को ये दे दे, जो भी घर में बनता था वही खा लेता था, कभी उसने वो नहीं करे भी मेरी ये बना दे ये कर दे ये कर दे। बचपन में कैसा था? अच्छा था, स्वभाव कैसा था बचपन में? शरारती भी था जी, खेल कूद में भी था जी, पढ़ाई में भी ठीक था जी, और अपना पढ़ाई पर और ध्यान देता था। घी बहुत खिलाया आपने बताया? खिलाया जी, बच्चे के लिए कुमार है, गांव से निकले हुए बच्चे वैसे भी दूध घी तो हरियाणा में चलता ही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।